हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज तो संडे है, एक्चुअली सप्ताह में 7 दिन होता है और 7 दिन में 6 दिन हम लोग पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। अब 7वां दिन भी अगर पढ़ना पड़े तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आज एक्चुअली संडे है और संडे मस्ती का दिन होता है, थोड़ा सा फन का डेज होता है, मजा करने का दिन होता है। तो आज मैं कोई पढ़ाई के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि पढ़ाई के बारे में अगर बात करूँगा फिर आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कुछ ऐसी बात करूँगा जो हमारे आसपास बीतता है और उसी से हम लोग बहुत सारा कुछ सीखते हैं। वैसे तो मैं जिस सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूँ, और मैं पहले बता दूँ कि आज मेरा जो तबीयत थोड़ा सा डल लग रहा है, इसके पीछे रीज़न ये है कि कल जो आपको सैटरडे को एक साथ कल जो है 4 वीडियो मैंने पोस्ट किया था। 4 वीडियो अगर आप बनाते हैं एक दिन में तो कितना ज़्यादा मेहनत लगता है। और देख रहे हैं कि लगातार 3-4 दिन से मैं 12 बजे रात में 11-11:30 बजे तक वीडियो जो है मैं अपलोड करता हूँ। इसके पीछे ये रीज़न है कि ज़्यादा समय तक, ज़्यादा रात तक जागने की वजह से मेरा तबीयत आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं कुछ इसी तरह की बातें आप लोगों को बतलाता हूँ। कई बार जो है हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कहीं जाते हैं और फिर वहाँ से आते हैं, फिर थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाता है, कुछ होता है, तो घर के लोग क्या बोलते हैं, अरे वहाँ दिया होगा, वहाँ का पानी पिया होगा, इसीलिए यहाँ का पानी और यहाँ वहाँ का पानी पिया, अलग अलग पानी हो गया, इसीलिए थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया। उसके बाद एक चीज़ और देखते होंगे, अक्सर गार्जियंस बोलते हैं कि तबीयत खराब है, किसी बच्चे का तबीयत खराब हो गया तो क्या बोलता है, मौसम चेंज हुआ, अब जो है पहले ठंडा था, अभी थोड़ा गर्मी आ गया या बारिश हो गया, इसलिए जो है तबीयत खराब हो गया। तो इस तरह का क्या रीज़न है? ऐसा कुछ नहीं होता है कि अब मौसम चेंज हो गया तो किसी का तबीयत खराब हो जाएगा। इस तरह का तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि सबसे पहले कोई भी थिंकिंग जो है अपने अंदर इस तरह की रखना ही नहीं। मौसम क्या चेंज नहीं होगा? मौसम तो हर दिन चेंज होता है, 2-4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह में मौसम चेंज होना ही होना। क्या कोई यहाँ से वहाँ नहीं जाता, वहाँ का पानी पीता है, खाना खाता है तो तबीयत खराब हो गया? ये सब क्या है, दिमाग में सब बातें पहले से डाल के रखा हुआ है, वहाँ गए तो वहाँ का पानी पिए, अब हमको सर्दी हो जाएगा, हमको जो है तबीयत खराब हो जाएगा। ऑलरेडी गार्जियंस जो होते हैं बच्चों को बार बार बोलते हैं, तो बच्चे लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि अब तो वहाँ गए तो तबीयत खराब होना ही होना। मेरे दिमाग में तो ये बात कभी आता ही नहीं, वहाँ गए तो पानी पिए तो तबीयत खराब हो गया, आज मौसम चेंज हुआ तो तबीयत खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ कि कभी भी इस बात को दिमाग में ना रखें, मौसम चेंज होगा तो तबीयत खराब होगा, वहाँ का पानी पिएंगे तो तबीयत खराब होगा, ऐसा थोड़ी होता है। और इतना स्ट्रांग बनना, अपने थिंकिंग को इतना स्ट्रांग बना के रखना, कहीं का भी पानी पिए पानी साफ रहना चाहिए, कहीं का भी पानी पिए कुछ भी नहीं होने वाला है। अपने बचपन में हम लोग तो खेतों का पानी पीते थे, जब हम लोग खेलने के लिए जाते थे तो खेत में जो पानी होता था, धान का खेत, वहाँ पर पानी जो जमा रहता था, पूरा साफ क्लियर पानी रहता था, उसका पानी पीते थे। वो जो है छोटा छोटा नदी टाइप का जो, जिसको बोलते हैं जोरिया बोला जाता है, तो वहाँ का भी पानी पीते थे हम लोग। वहाँ का पानी जो है घर के लोग लाया करते थे दाल बनाने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें होता था, आज मौसम चेंज हुआ तो तबीयत खराब हो गया, वहाँ का पानी पिए तो तबीयत खराब हो गया। ये जो है वीक थिंकिंग है, इस तरह का बच्चा और इस तरह का व्यक्ति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसा विचार रखने वाला। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को बता दूँ कि कभी इस तरह की दिमाग पे नहीं रखना, तबीयत खराब हो गया कि मौसम चेंज हो गया इसलिए तबीयत खराब हो गया, वहाँ का पानी पिए, नेवर, ऐसा थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं रखना है। स्ट्रॉन्ग बनना है, कहीं कभी पानी पीने से आपको कुछ नहीं होगा और कभी भी मौसम चेंज होगा आपको कुछ नहीं होने वाला। ये विचार अपने मन में रखिए। और आज का संडे स्पेशल जो वीडियो है, इस पर मैं आप लोगों को ये मैसेज दे रहा हूँ, आप लोग अपनी थिंकिंग को मजबूत करके रखिए। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होगा। इसी तरह का और नेक्स्ट संडे को फिर से आप लोगों के साथ मैं मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।